सरबत गिलानी भारतीय डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए बेचैन क्यों? सरबत गिलानी का प्रवीण बॉबी से क्या रिश्ता है? भारत में पाकिस्तान मुखालफ तबके की मौजूदगी के बायस दोनों ममालक के फनकारों को एक साथ काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। माजी में जब हालात साजगार थे तो हमारे फनकार बॉलीवुड में जाकर काम करते थे, लेकिन जब से सियासी हालात कशीदा हैं अब ये मुमकिन नहीं रहा। ताहम एक पाकिस्तानी अदाकारा ऐसी भी हैं जिन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और उन्हें यकीन है कि एक दिन हालात ज़रूर बेहतर होंगे, जिसके बाद दोनों ममालक के फनकार फिर इकट्ठे काम करते दिखाई देंगे। ये अदाकारा हैं सरबत गिलानी, जो भारतीय डायरेक्टर्स के साथ कई प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। अपने एक हालिया इंटरव्यू में सरबत गिलानी ने पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों को तजवीज़ दी कि वो उम्मीद का दामन ना छोड़ें, क्योंकि एक दिन आएगा जब उन्हें दोबारा इकट्ठे काम करने का मौका मिलेगा। दोनों ममालक के बहुत से फनकार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ममालक के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के लोग फनकारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथों में मुल्क की बागडोर होती है वो ये नहीं चाहते कि लोग एक दूसरे के करीब आएं। आर्ट की सरहद नहीं होती और ना ही इसे कैद किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह दोनों ममालक के फनकार बैरून मुल्क जाकर दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, तो उसी तरह पाक भारत के फनकार एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? जो लोग पॉलिसी मेकर हैं उन्हें इस बारे सोचना ज़रूर चाहिए। सरबत गिलानी का मजीद कहना था कि मुझे भारतीय प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे आधे ख़ानदान का ताल्लुक भारत से है और मैं खुद हिंदुस्तानी कल्चर में ही पली बड़ी हूँ। अदाकारा का कहना था कि माजी की मशहूर अदाकारा प्रवीण बॉबी रिश्ते में मेरी खाला लगती हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई।